सफाई नायक की लापरवाही पर डीएम भड़की हैं। तो डीएम सी इंदुमती इस दौरान भड़की हैं लापरवाही पर। दरअसल श्रमिकों पर सैनिटाइजर छिड़काव को लेकर उनका गुस्सा यहां पर देखने को मिला है। दरअसल ट्रेन की जगह श्रमिकों पर ही सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा था। तो पूरा मामला जो है वो सुल्तानपुर जंक्शन का है। बड़ी खबर आपको बता दें, सुल्तानपुर से मिल रही है, जहां पर ट्रेन पर सैनिटाइजर का छिड़काव किया जाना था, लेकिन श्रमिकों के ऊपर जिस तरह से छिड़काव किया जा रहा था उससे सी इंदुमती जो कि वहां की डीएम है वो बौखला गई और कड़ी फटकार इस दौरान उन्होंने वहां पर लगाई है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से लापरवाही को लेकर यहां पर उनको फटकार लगाती हुई। तो देखा आपने कि किस तरह से डीएम फटकार यहां पर लगाती हुई नजर आ रही है। दिनकर श्रीवास्तव हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दिनकर, ये तस्वीरें सामने हैं और डीएम साहिबा किस तरह से उस सफाई नायक को झाड़ लगा रहे हैं जिसने कहीं ना कहीं लापरवाही बरती है। दरअसल पहले से ही कहा जा रहा था कि ट्रेनों को सैनिटाइज किया जाएगा और जो श्रमिक आ रहे हैं उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी यहाँ पर, लेकिन लापरवाही सामने दिखी है और फटकार भी लगा दी गई। क्या कोई कार्रवाई वहां पर सफाई नायक के खिलाफ की गई है इस मामले पर? देखिए, ये मामला है जब ट्रेन यहाँ पर आई जंक्शन सुल्तानपुर पर, उसके बाद वहाँ पर सैनिटाइज करने के लिए पूरे सफाई नायक और जो कर्मचारी जो लगे हुए थे, अचानक उन्होंने डीएम की नजर पर पड़े कि जो डाला जा रहा है ये सैनिटाइजर, ये जो लोग आए हैं यात्री या श्रमिक उनके ऊपर पड़ रहा है, तो वो दौड़ कर आई और उन्होंने फटकार लगाई और उन्होंने यहाँ तक उसको कहा कि मैं जो है तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगी। लेकिन फिलहाल अभी इस बात की कोई ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन उनका गुस्सा आप देख सकते हैं, जाहिर है इस तरह से अगर लापरवाही होगी सैनिटाइज करने में तो कोई भी अधिकारी सक्षम अधिकारी होगा तो वो इस तरह की बात करेगा और डांटेगा जरूर, और यही कल देखने को मिला है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।